में ऐसा क्या खराब रहा कि एशियन पेंट में बड़ी गिरावट देखने को मिली, वो भी बताइए। 25 में 2022 के बाद आज एशियन पेंट्स में इतनी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी थी, और इस गिरावट के पीछे जो रीजन है वो है कंपनी के नतीजे। जो कंपनी के नतीजे आए थे इस शुक्रवार को वो काफी कमजोर आए थे, हर पैमाने में जो नतीजे थे वो अनुमान से काफी कमजोर आते हुए दिखे थे। और साथ ही साथ जो कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ है वो इस बार वॉल्यूम ग्रोथ नहीं, वॉल्यूम डीग्रोथ होती हुई आई है। करीबन 0.5% की इस बार वॉल्यूम का डीग्रोथ होता हुआ दिखा, लेकिन जिसके सामने अनुमान था करीबन 6 से 7% की तक की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है बिजनेसेस में, उसके सामने देखा था वॉल्यूम डीग्रोथ आई थी। तो उन्हीं सब चीजों को फैक्टर इन करके आज काफी बड़ी गिरावट आई है। इनफैक्ट कंपनी का मानना है कि पिछले साल जो कंपनी ने रेट कट्स किए थे और साथ ही साथ जो कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स है वो काफी इस बार इन्फीरियर होता हुआ दिखा था, इसी के चलते आय में काफी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। वही इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जो वैल्यू ग्रोथ है वो भी, जो कंपनी डबल डिजिट का अनुमान लगा के चल रही थी उसके चलते सिंगल डिजिट का रेवेन्यू वैल्यू ग्रोथ आते हुए दिखा है। तो ये काफी चीजें जो कंपनी की थी वो अनुमान से काफी कमजोर आती हुई दिखी थी। इनफैक्ट एक खास बात है इस नतीजों की कि बाकी दूसरी जो पेंट कंपनीज है अगर उससे तुलना करें तो काफी रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी की काफी खराब आई है, रेवेन्यू डीग्रोथ हुआ है। मिसाल के तौर पे एशियन पेंट्स ने करीबन 5.5% का रेवेन्यू डीग्रोथ देखा था। वहीं इंडिको पेंट्स की बात करें तो करीबन 7.5% का रेवेन्यू ग्रोथ आया था इस तिमाही में। एक्जो नोबल ने करीबन 3% तक की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी। वहीं बजर पेंट्स और कंजाइन एरोप्लैक्स पेंट्स लगभग फ्लैट ग्रोथ दिखाते हुए दिखे थे, लेकिन अगर बाकी इंडस्ट्री पेयर्स के मुकाबले कंपेयर करें तो एशियन पेंट्स की जो रेवेन्यू ग्रोथ है, जो रेवेन्यू डीग्रोथ है, वो काफी कमजोर आती हुई दिखी बाकी सब चीजों के चलते। और एशियन पेंट्स का जो आउटलुक है उनका कहना है कि आने वाले तिमाही में जरूर सिचुएशन सुधर सकती है, लेकिन अभी भी डिमांड को लेकर उन्हें काफी चुनौतियां हैं जो उनके ग्लोबल मार्केट से इथियोपिया, इजिप्ट और बांग्लादेश, जो वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस चलते वहां पे चलते काफी इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हुए दिखेंगे कंपनी को। और आने वाले तिमाही में कंपनी ने इस तिमाही में जरूर प्राइस हाइक ली है, लेकिन आने वाली तिमाही में Q3 में उसका इफेक्ट आता हुआ दिखेगा। तो काफी हद तक मार्जिन थोड़े कंपनी को लग रहा है कि स्टेबिलाइज होने चाहिए, लेकिन कमजोर नतीजे और अनुमान से भी कमजोर नतीजों के चलते आज हमने देखा था कि एशियन पेंट्स में 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है।